मेरा नाम वज़ीर तारिफ अली है। मैं लच्चो से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ जमशेद पब्लिक स्कूल से शुरू से तालीम हासिल की और यहाँ प्राइमरी तक की। उसके बाद जो है ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ा, तो हमें यहाँ पे तालीम ना होने की वजह से जो है ना हमें बाहर जो है ना प्रदेश में पूरा लाइफ छोटे उम्र से लेकर अब तक जो है ना हमें प्रदेश में गुजारना पड़ा। अभी बहुत तालीमी निज़ाम बेहतर हो गया है, लेकिन और भी बेहतरी करने की ज़रूरत है। हाई लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे, इंटर लेवल पे, तो इससे जो है ना यहाँ पे गुरबत जो है ना, एक तो गुरबत जो है मुलाजमत कम है, तो इस वजह से जो है ना छोटे लेवल के तबके जो है ना आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, गाँव के जो मसाइल हैं इसके ऊपर आप बात करें। गाँव के मसाइल, तालीमी मसाइल है, रोज़गार के मसाइल है, बहुत सारे मसाइल हैं। ये चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज जंगलात है और जो है ना, और यहाँ पे जंगली जानवरों के तहफ़ है और देसी जानवरों के तहफ़ से इनको जो है ना तहफ़ करके इनको अच्छी जगह पे परवरिश करके जो है ना इनको इससे रिसोर्सेज कमा सकते हैं। और जंगली जंगल की बेदरी कटाई हो रही है, इसको कम करके अच्छा अवामी लेवल पर, कमेटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, तो इसको कम किया जा सकता है, तो उससे जो है ना इस इलाके में बेहतरी हो सकते हैं, माहौलियात के माहौलियात बेहतर हो सकते हैं। और दूसरी बात जो है ना, यहाँ पे रोड आ रहा है यहाँ नीचे से, लेकिन उसके जो है ना गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर काम, इदारों ने जो है ना इसके ऊपर करीब करके बेहतरी तरीके से नहीं बनाया, तो ये अगर ये बेहतर हो जाए, रोड बेहतर हो जाए इस और बिजली बेहतर हो गई है, तकरीबन इसमें भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि रोड बेहतर हो जाए तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं।